उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है, तो वहीं सीएम योगी इस मुद्दे पर अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर एनडीए में सहयोगी अपने दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाती दिखाई दे रही हैं। बता दें आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ से 2019 में हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है, जिससे प्रदेशक सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम विरोधी दलों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट ने कहा, मैंने भी हमेशा वही कहा है। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।